इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि अगर डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ रहे तो उस पर नेट फोर्स जीरो लगता है। तुम नहीं थी, कहा है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो लगता है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ये देखे थे, लेकिन नेट टॉर्क लगता है। और उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पी क्रॉस ई होता है कि नहीं? ठीक। अब देखो, अगर डाइपोल एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो उस पर फोर्स भी लगता है, नेट फोर्स भी लगता है और नेट टॉर्क भी लगता है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर डाइपोल एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इससे ऑप्शन बना देगा, देयर इज़ अ नेट फोर्स ऑन द डाइपोल बट नेट टॉर्क इज ज़ीरो। बोलेगा उस पर दोनों लगता है, उस पर ए गो लगता है, ये लगता है, वो लगता है, ऐसे करके ऑप्शंस बनाएगा। ठीक है, अब देखना तो हम लोग इस बात को लिख लेते हैं क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जब डाइपोल एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तो उस पर नेट फोर्स भी लगता है और नेट टॉर्क भी लगता है ना। लिखो, हम डिक्टेट कर रहे हैं, लिखो। लिखना, when an electric dipole is kept in a non-uniform electric field, in a non-uniform electric field, then a non-uniform electric field, then there is a net force, there is a net force acting on the dipole, there is a net force acting on the dipole, there is a net force acting on the dipole along with a net torque, along with a net torque, along with a net torque। लिखी कनक? ठीक। अब देखना, जैसे हम लोग इसके पहले जो पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखिएगा जी, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और जो डाइपोल है वो कुछ ऐसे रखा हुआ है ना। मतलब डाइपोल मोमेंट जो अपना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल बना रहा होता है थीटा। हम कुछ ऐसा सिचुएशन पढ़े है ना, लेकिन हम जो नॉन यूनिफॉर्म वाला जो केस पढ़ेंगे ना उसको थोड़ा सिंपल रखेंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म ज़रूर है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह अलग अलग है, लेकिन एक इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, यानी एक इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे जो अपने डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, इधर बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या केस पढ़ेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। यानी अगर इस पूरे स्पेस में अगर हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट ए ले लें और यहाँ पे कोई एक पॉइंट बी ले लें तो ए पॉइंट से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे होगा। एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जो इंक्रीजिंग है अपने ही डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जैसे सपोज करो एक स्पेस है, इस स्पेस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। बात समझ में आ रहा है? हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सपोज करो इधर है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है उससे ज़्यादा यहाँ, उससे ज़्यादा यहाँ, उससे ज़्यादा यहाँ, उससे ज़्यादा वहाँ, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर यहाँ 5 न्यूटन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट बताओ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का बोलो, न्यूटन पर कूलम्ब होता है। यहां पे अगर 10 न्यूटन पर कूलम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पे 15 होगा, यहां पे 20 होगा, यहां पे 25 होगा, यहां पे 30 होगा, ऐसे चल रहा है। मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंश प्रसाद समझ रहा है,
जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे हम लोग का जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसमें केस क्या आ जाएगा, इसी स्पेशल केस को पढ़ेंगे कि डाइपोल इज केप्ट इन एन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इन एन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मतलब ये एक जनरलाइज्ड हेडिंग हो गया, ये एक स्पेशलाइज्ड हेडिंग हो गया कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बदल जरूर रहा है लेकिन अपने डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना। तो ये भी एक हेडिंग की तरह तुम इसको रख लो, लिखो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग इसी के अंदर है ना। अच्छा, ये पेन किसी का है क्या जी? देखो तो तुम्हारा है, क्योंकि आगे ही किसी का हम डाल लिए होंगे। पापा जाओ, ठीक है, ध्यान से देखेगा दिव्यांशु। हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कुछ इस तरह से बना रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड समझो हम खाली एक लाइन से बना रहे हैं, ठीक है, या चलो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बना भी नहीं रहे हैं। इसमें दो केस है समझना। तो केस वन हम पहले लेते हैं, केस वन ले रहे हैं। केस वन क्या है, when P is parallel to E, इसका मतलब क्या हुआ कि P और E सेम डायरेक्शन में है ना। P and E are in same direction, बहुत ध्यान से देखिएगा जी, इससे क्वेश्चंस वगैरह भी जेई में आता है, ठीक है। वो थोड़ा सिंपल टॉपिक होता है, ये थोड़ा सा उससे हल्का सा अलग टॉपिक होता है, हल्का सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है, इसीलिए इससे क्वेश्चन पूछ देता है ना हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बाद में ले लेना। अब देखो यहाँ पे ये केस फर्स्ट केस बनता है, ध्यान देना। इसका मतलब वो हो गया, इसका क्या मीनिंग निकला समझो, हम लोग के पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, बहुत ध्यान से पहले समझेगा बच्चा लोग, हम लोग के पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। ये हम लोग ले लेते हैं माइनस क्यू चार्ज, ये ले लेते हैं प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा भैया, उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा इसका डाइपोल मोमेंट। हम एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लिए हैं जो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लिए जो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ, हम इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं, सब समझ में आ जाएगा। ये जो डायरेक्शन है ये किसका, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ इनक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, खाली सिंबल दे देते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा जी, सब लोग हम समझा दे रहे हैं चीज़ों को। पेन दो ब्लैक वाला, कैप के साथ, छोड़ो मिल गया, ब्लू है किसी के पास, चलो ध्यान देना, ठीक है। किसका फ़ोन गिरा देख लो, ठीक है, चल रहा है ऐसे, उसको थोड़ा ऐसे रख के चला के देखो
देखना सुनेगा जी, नहीं तो उसको वो तीन चक्का वाला गाड़ी दे दो। ध्यान देगा सब लोग, ध्यान से सुनेगा। हम लोग एक ऐसा स्पेस कंसिडर किए हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और इस पॉइंट से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग किए क्या है, ध्यान देना, दो पॉइंट कंसिडर करते हैं। देखो ये जो चार्ज जिस पॉइंट पे रखा हुआ, इस पॉइंट को ए नाम देते हैं, और प्लस क्यू जिस पॉइंट पे रखा हुआ इसको बी नाम देते हैं। ऐसे समझ लो, ये कैप प्लस क्यू है और ये वाला कैप माइनस क्यू, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बढ़ रहा है जी? इधर बढ़ रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? हर जगह इधर ही है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये जो बी वाला चार्ज है ये पॉजिटिव है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगाएगी? पॉजिटिव चार्ज पे अपने ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो इधर ही लगेगा। और ये जो अपना नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर ही है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगी? अपने डायरेक्शन के ऑपोजिट, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। इसको हम फोर्स एट बी लिख रहे हैं और इसको हम फोर्स एट ए लिख रहे हैं। कोई दिक्कत सुमित? अब देखो समझना जी, यहां वाला जो फोर्स होगा, फोर्स एट बी, इसको हम लिख सकते हैं चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बी पे होगा सो, और इस वाले फोर्स को लिख सकते हैं, फोर्स एट ए को लिख सकते हैं चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए पे होगा सो। सिचुएशन क्या है देखो, इस वाले चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगा रहा है और नेगेटिव वाले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगा रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है इसलिए इधर लगने वाला फोर्स छोटा है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है इसीलिए यहाँ पे इधर लगने वाला फोर्स ज़्यादा है, तो इस डायपोल पे नेट फोर्स इधर नहीं लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, क्लियर है ये चीज़? संगम समझ रही? बोलो अंश, एक और बार बताते हैं। देखो हम क्या बोल रहे हैं समझना, ये दो पॉइंट है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जहाँ पे रखा है इस पॉइंट को ए नाम दे रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे रखा है उसको बी नाम दे रहे हैं। संगम दिख कनेक्ट दिख रहा है? अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है, लेकिन इस पॉइंट से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इधर वो बड़ा होगा, इस पे जो फोर्स इधर लगेगा वो छोटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, तो यहाँ अगर बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों जगह सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा हुआ है, तो इस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसीलिए डायपोल पे एक नेट फोर्स लगने लगेगा इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, समझा अंश? तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो नेट फोर्स का भी डायरेक्शन इधर ही होगा ना जी। अच्छा ध्यान देना, ये प्रॉपर फिगर बनाना आता है। अच्छा इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी जो होगा ये बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए से, इसलिए फोर्स जो बी पे होगा वो बड़ा होगा फोर्स एट ए से। यानी ए पे रखे हुए चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है इससे बड़ा बी पे रखे हुए चार्ज पे फोर्स लगेगा, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं देयर इज नेट फोर्स, नेट फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ along the direction of the increasing electric field.
मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लग रहा है। इसका मतलब ऑपोजिट हो गया, तुम लोग समझ गए इस बात को, लिखने का जरूरत नहीं है। यानी अगर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इधर ही है जैसा हम बताए हैं, और हम डाइपोल को कुछ इस तरह से ले लेते हैं, यानी इसको नेगेटिव ले लेते हैं और इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, ताकि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है भैया वो इधर हो जाए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। और इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग इधर ही ले लेते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इस पॉइंट को तुम ए ले रहे हो, अगर इस पॉइंट को बी ले रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से पहले देख लेगा सब लोग, नहीं तो फिर यहाँ डाउट होने लगेगा। देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बी पे किधर है, इधर है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, ठीक है। तो B पे जो चार्ज रखा हुआ है इस पे फोर्स किधर लगेगा, यस इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में B पे रखे हुए चार्ज पे फोर्स लगेगा, इसको हम FB लिख देते हैं। अच्छा A पे रखे हुए चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे ज्यादा है, बी पे ज़्यादा है, तो बी पे लगने वाला फोर्स ज़्यादा है, ए पे लगने वाला फोर्स कम है, यानी इधर से लगने वाला फोर्स ज़्यादा, इधर से लगने वाला फोर्स कम, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा। तो नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो ना जी, इधर लगने वाला फोर्स ज़्यादा, इधर लगने वाला फोर्स कम, तो नेट फोर्स तो इधर ही लगेगा ना, समझ रही है, पक्का। तो ये डायरेक्शन अपना हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा जी अंश प्रसाद समझ में आया, फिर से समझा सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, तुम बोल सकता है सर फिर से समझाइए, फिर से समझाते हैं, ठीक है, इसमें शर्म उरम का बात नहीं है जी, नहीं समझ में आया जोर से बोलेगा तब तो, पता है हम बूढ़ा हो गए हैं, बाल बाल देखो पक गया है, कान का मशीन घर पे भूल जाते हैं, थोड़ा जोर से बोलो, खाली इशारा कर रहा है। देखो कुछ ऐसा सिचुएशन है ना कि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वाला चार्ज नेगेटिव है, ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर, इधर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन भी इधर है और इधर इंक्रीज भी कर रहा है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है भैया, ये है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, है ना, ऐसे पुश होगा, ये है पॉजिटिव चार्ज, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही फोर्स लगाएगा इधर, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम, यानी इधर से जो फोर्स लग रहा है इधर ये बड़ा है और इधर जो फोर्स लग रहा है ये छोटा है, तो नेट फोर्स तो इधर ही लगेगा, बात समझ में आ रहा है क्या, समझ रही है दिव्यांशु, सेम चीज़ लिख देते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट
बी इज़ ग्रेटर दैन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, देयर फॉर फोर्स एट बी इज़ ग्रेटर दैन फोर्स एट ए, देयर समझ रही है, समझ रही मुस्कान? ये फिगर ड्रॉ करना आता है जी, और कुछ नहीं। चलो ठीक, देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है, बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि इन जनरल फ्लक्स को फाई सिंबल से डिनोट किया जाता है, लेकिन फ्लक्स दो तरह का होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। नया टॉपिक है, ठीक है। फ्लक्स दो तरह का होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो जब हम लोग दोनों फ्लक्स को एक साथ डिस्कस कर रहे होते हैं तो अलग दिखाने के लिए फाई ई लिख दिया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ठीक है। लेकिन इन जनरल हर जगह फाई ही लिखा हुआ रहेगा, पूरे चैप्टर में फाई ई नहीं लिखा हुआ रहेगा, फाई खाली लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और हम भी अभी पूरे चैप्टर में फाई 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 लिखेंगे। जब मैग्नेटिक हाई, हाँ, जब मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे ना और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों साथ में पढ़ेंगे तो फिर दोनों को सेपरेट करने के लिए फाई और फाई भी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, समझना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, ठीक है। जैसे देखो, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जी, सपोज़ करो हम यहाँ पे कोई एक चार्ज पार्टिकल रख देते हैं, सपोज़ करो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो इससे बहुत सारा फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगा, बहुत सारा फील्ड लाइंस चारों तरफ निकलेगा अगर यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो, ठीक है, समझ रहा बात को? देखिएगा जी, अगर यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रख दें तो चारों तरफ बहुत सारा फील्ड लाइंस निकलेगा। अगर हम यहाँ पे स्पेस में कोई प्लेन को रख दें तो कुछ फील्ड लाइंस इस प्लेन को क्रॉस करके निकलेगा, काट के निकलेगा। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इस प्लेन को काट के गुजरा उसको इस प्लेन का फ्लक्स बोलते हैं। बात समझ में आया? नंबर ऑफ, एक्चुअली हम काउंट नहीं कर सकते कि कै गो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको काट के गुजरा, इसलिए नंबर नहीं बोल के अमाउंट भी बोल देते हैं। अमाउंट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी एरिया नॉर्मली इन जनरल, ऐसा, बात समझ में आ रहा है? हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखाएंगे। तो अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस जो किसी भी एरिया को काट के गुजर रहा होता है उसको हम इस एरिया का फ्लक्स कहते हैं। क्लियर? डेफिनेशन डिक्टेट करेंगे, डेफिनेशन लिख लेना। देखो इलेक्ट्रिक क्या बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपसे पढ़ाए थे ना, तो बोले थे ना जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोले। हाँ तो बोलो ना। हाँ तो सर, वो जो है कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं करता, अगर क्रॉस करेगा तो वो क्लोज लूप फॉर्म कर देगा। हम ऐसा कब बोले कि किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं करता, ऐसा नहीं बोले। हम बोले किसी भी चार्ज्ड बॉडी के अंदर नहीं होता है, किसी चार्ज्ड बॉडी के अंदर कोई फील्ड लाइंस नहीं होता है। तो यहाँ पे ये चार्ज्ड बॉडी है क्या? ना। तो इसको क्रॉस कर पाएगा ना? अच्छा एक चीज़ देखना कि एक बात समझना थोड़ा ध्यान से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सही में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है।
लेकिन वो एक इमेज, वो कुछ इमेजनरी लाइंस होता है। लेकिन अगर हम एक चार्ज बॉडी रखे हैं तो उसके आसपास हम फील्ड लाइंस इमेजिन कर सकते हैं, और अगर हम उसके पास में किसी एक प्लेन को रख दें तो इस प्लेन को कुछ फील्ड लाइंस ऐसे कट करेगा, या ये प्लेन कुछ फील्ड लाइंस को ब्लॉक कर देगा एक तरह से देखो, है ना। लेकिन इन जनरल ऐसे कहा जाता है कि अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस जो किसी भी प्लेन को काट रहा होता है वो इस प्लेन का फ्लक्स कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, लिखो डेफिनेशन। लिखना, it is defined as the number of, या amount of लिखना, it is defined as the amount of total electric field lines crossing any area normally, मतलब lines को perpendicularly उस area को cross करना होता है। जो field lines perpendicularly cross कर रहा होगा वही flux में count होगा, जो नहीं कर रहा होगा वो count नहीं होगा। crossing any area normally अरे सृष्टि नहीं दिख रही है। थोड़ा हम थ्री डायमेंशनल फोटो बना रहे हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर दिखा रहा है कि, है ना, ये परपेंडिकुलरली काट रहा है इसको, ठीक है। ये केवल हम परपेंडिकुलर दिखा रहे हैं कि प्लेन पे परपेंडिकुलर है ये फील्ड लाइंस। अब तुम लोग बना पाओगे तो अच्छी बात है। नहीं बना पाओगे? कहीं से भी करेगा, कोई जरूरी नहीं है सेंटर होना चाहिए। उस एरिया को खाली क्रॉस करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं। तुमको ये परपेंडिकुलर डालने का भी कोई जरूरत नहीं है तुम लोग को, बस समझ लो कि परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है। अगर जाओ ले आओ, हम आगे बढ़ेंगे फिर हम खत्म नहीं होगा। कम से कम फ्लक्स का पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे। क्या बोलो? देखो इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग ध्यान देंगे।
लिखो फटाफट, ड्रॉ करो जी जिसको करना है। लिखना जी कुछ पॉइंट्स लिखना। दिव्यांशु हम सब समझा रहे, डोंट वरी। डीएस मतलब छोटा सा एरिया को एस से डिनोट कर रहे हैं, छोटा सा एरिया डीएस, हम सब समझा रहे हैं। देखो स्मॉल एरिया डीएस, Thank you.
एक एक बात बताएंगे, फटाफट लिख लो। देखो, नहीं देखेगा तो नहीं समझ में आएगा, ध्यान देना, लिखना बंद करो, ध्यान से देखो। देखो, अगर मेरा बस चलता ना तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन लिखाते, खाली ये फॉर्मूला लिखा देते, काम चल जाता, ठीक है। लेकिन समझो, हम सब कुछ लॉजिकली बता रहे हैं, चीज़ों को देखो। अगर कोई एक छोटा सा एरिया हम लेते हैं, जैसे सपोज करो यही एक छोटा सा एरिया है, जिसको एरिया को हम लोग एस से डिनोट करेंगे, यहाँ पे कहीं कहीं पे ए से भी डिनोट करता है, बट हम लोग एस से डिनोट करेंगे। ये छोटा सा एरिया है तो इसको डी एस से डिनोट करेंगे। अगर फील्ड लाइन किसी भी छोटे से एरिया के परपेंडिकुलर जा रहा है, अच्छा एक बात समझो, इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी एरिया को कितना फील्ड लाइंस काटेगा ये हम काउंट नहीं कर पाएंगे। समझो, फ्लक्स क्या होता है, हम लोग बोले कि किसी भी एरिया को नॉर्मली कितना फील्ड लाइंस काट के गुजर रहा है वो फ्लक्स थ्रू दिस एरिया कहलाता है। ध्यान देना, फ्लक्स ऑफ दिस एरिया नहीं बोलते हैं, फ्लक्स थ्रू दिस एरिया बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, किसी भी चार्ज्ड बॉडी से कितना फील्ड लाइंस निकल रहा है ये हम बोल नहीं सकते हैं कि किसी एक चार्ज्ड बॉडी से 5 फील्ड लाइंस निकल रहा है या 10 फील्ड लाइंस निकल रहा है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई रूल नहीं है कि किसी भी चार्ज से कै गो फील्ड लाइंस निकलता है। तो इसीलिए अगर इसके सामने कोई ऐसा चार्ज बॉडी रखा हुआ है तो इससे मान लो 1000 फील्ड लाइंस निकल रहा, मानने बोल रहे हैं, लेकिन हम काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल से कै गो फील्ड लाइंस निकलता है, ठीक है। तो हम इससे भी कितना फील्ड लाइंस निकलेगा हम ये भी काउंट नहीं कर पाएंगे। तो जब हम इस फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, इसको क्रॉस करके कितना फील्ड लाइंस निकल रहा है वो, अब हम काउंट तो कर नहीं पाएंगे कि इससे कितना फील्ड लाइंस निकल रहा है। तो अगर ये एक छोटा सा एरिया है, समझना, तो छोटे से एरिया के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। अगर बड़ा एरिया है तो बड़ा स्पेस कवर करेगा, बड़ा स्पेस कवर करेगा तो इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। मान लो पॉइंट साइज का एरिया है तो वो तो पॉइंट ही स्पेस कवर करेगा ना, तो उस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही होगा, ई होगा। तो अगर सपोज करो कोई छोटा सा एरिया है, यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा दिखा दिए हैं, कोई एक छोटा सा एरिया है और इस एरिया से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यानी उस पॉइंट पे, उस एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है सपोज करो, तो इस एरिया का जो फ्लक्स होगा, छोटा सा फ्लक्स, उसको डी फाई से डिनोट करते हैं, वो फ्लक्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस एरिया का जो अमाउंट होगा वो अमाउंट मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो ये उस एरिया के फ्लक्स को दे देता है। क्योंकि हम काउंट तो नहीं कर पाएंगे तो फ्लक्स निकालने का कोई मेथड होना चाहिए कि उससे कितना फ्लक्स निकल रहा है, कितना फ्लक्स उसका होगा। तो मेथड क्या है जी, कि अगर कोई पॉइंट साइज का एरिया है, बहुत छोटा सा एरिया है डीएस, और उस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड या उस एरिया से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इस एरिया का जो फ्लक्स होगा, छोटा सा फ्लक्स डी फाई, वो ई इंटू डीएस होगा। सीधा सा बात है ना, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एक डायरेक्शन होगा ना जी, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायरेक्शन होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया को परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया को परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं कर रहा है क्योंकि इसके परपेंडिकुलर का डायरेक्शन इधर है। ये एक छोटा सा एरिया है, सपोज करो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गुजरा, मतलब ये ऐसा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो तुम्हारा ऐसे गुजर रहा है, ऐसे गुजर रहा है, ठीक है। तो हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे जो इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रहा है क्या हम बोले, क्योंकि हमको वो फील्ड लाइन चाहिए जो इसको नॉर्मली क्रॉस कर रहा है ना। तो हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे जो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, दिख रहा है हम क्या बोल रहे हैं, दो पेन दो, सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, चलो हम बोर्ड पे दिखाते हैं। सपोज करो ये मेरा, गिरने दो, सपोज करो ये जो बोर्ड है मेरा, ये एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसको क्रॉस करके गुजर रहा है, दिख रहा है ना, लेकिन
हमको वो फील्ड चाहिए जो बोर्ड के परपेंडिकुलर हो. दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है? हमारा हाथ से ढक गया. हमको वो फील्ड चाहिए जो बोर्ड के परपेंडिकुलर हो. तो अगर फील्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर से एंगल थीटा बना रहा है तो बोर्ड के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई कॉस थीटा होगा. तो इसीलिए यहाँ पे हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए, डीएस तो लिए लेकिन इसके साथ ई कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दिए. बात समझ में आ रहा है? तुम नहीं समझ रहा था मैं? हम क्या बोले, सुनना, हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं जो एरिया के परपेंडिकुलर हो. मान लो ये एरिया है, ठीक है, मान लो ये एक एरिया है और इसको क्रॉस करके जो फील्ड गुजर रहा है वो ऐसे गुजर रहा है, तो ये फील्ड तो एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है जी. तो हमको वो इसका वो कॉम्पोनेंट लेंगे जो इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन से अगर एंगल बना रहा है थीटा, दिख रहा है? ये अगर ये वाला एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो परपेंडिकुलर से एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट ई कॉस थीटा होगा ना जी. तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधी नहीं लेंगे, ई कॉस थीटा लेंगे. तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिए, ई कॉस थीटा लिए. तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, ई डी एस कॉस थीटा. तो इसको हम लिख सकते हैं ई डॉट डी एस. अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न आता है. बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हम अभी सब कुछ क्लियर करेंगे, ध्यान से खाली सुनते चलो. यहाँ तक मैटर क्लियर है? E डॉट डी एस की ये मैटर क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे E डी एस कॉस थीटा. यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या आता है, डी एस तो एरिया है सर, एरिया तो स्केलर क्वान्टिटी होता है, वैक्टर थोड़े होता है. तो आप एरिया को वैक्टर क्यों काउंट कर रहे हैं यहाँ पे? हम बताएंगे इसको, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. लेकिन पहले इसको हम लोग कम्प्लीट करते हैं. अगर एक छोटे से एरिया का फ्लक्स ई डॉट डी एस है और वो छोटा, मान लो जैसे यहाँ पे हम एक छोटा सा एरिया लिए, ये छोटा सा एरिया, इसका फ्लक्स ई डॉट डी एस है, हमको इस पूरे बोर्ड का फ्लक्स चाहिए, तो हम इस छोटे से फ्लक्स को इंटीग्रेट कर देंगे. तो इंटीग्रेट कर दिए, बात समझ में आ रहा है? लेकिन इस इंटीग्रेशन पे हम यहाँ पे सर्कल लगाते हैं, ये बताता है कि ये इंटीग्रेशन जो है वो पूरे सरफेस पे हो रहा होता है, इसीलिए इसको सरफेस इंटीग्रल कहते हैं. बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं दिव्यांशु? तन्मय समझ गया? पक्का? अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, एरिया को हम यहाँ पे वेक्टर क्यों लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है समझना, देखना. देखो एक एग्जांपल मान के चलो, देखो समझना. अगर वेक्टर जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वेक्टर का डेफिनेशन कुछ इस तरह से हम बताते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका अमाउंट और डायरेक्शन दोनों इम्पॉर्टेंस रखे उसको वेक्टर कहते हैं. हम तो ऐसे ही डिफाइन कराते हैं, है ना. इन जनरल बोलता है लोग कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको वेक्टर कहते हैं. लेकिन हम बहुत डिटेल से समझाते हैं इन चीज़ों को कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका अमाउंट और डायरेक्शन दोनों इम्पॉर्टेंस रखे, जिसका डायरेक्शन को अगर इग्नोर कर दें तो मेरा काम बिगड़ जाए, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं. अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को. सपोज़ करो इस पूरे रूम में एकदम पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ऐसे गुजर रहा है, ऐसे गुजर रहा है, बहुत सारा फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रहा है, बहुत ध्यान से दिख रहा है, एज्यूम, थोड़ा एज्यूम करना, ठीक है. बहुत सारा फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रहा है, बहुत सारा फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रहा है. हम जो है एरिया को ऐसे रख देते हैं, है ना. तो इससे कुछ फील्ड लाइंस क्रॉस करके गुजरेगा, मान लो इससे 20 फील्ड लाइंस क्रॉस करके गुजरा, ठीक है. इससे 20 को फील्ड लाइंस क्रॉस करके गुजरा, कुछ फील्ड लाइंस एग्जैक्टली यहाँ पे भी क्रॉस करके गुजरेगा, ठीक है. मतलब इन इन एरिया पे भी कुछ फील्ड लाइंस क्रॉस करके गुजरेगा एकदम यहाँ पे साइड में. अब हम इसको टर्न करते हैं, तो जो फील्ड लाइंस यहाँ पे इसको क्रॉस करके गुजर रहा था, हम इसको टर्न कर दिए, वो फील्ड लाइंस तो अब इसको क्रॉस नहीं करेगा. बात समझ में आ रहा है? जो फील्ड लाइंस यहाँ से इसको क्रॉस कर रहा है, हम इसको टर्न कर दिए, वो फील्ड लाइंस तो बिना क्रॉस किए गुजर जाएगा जी. तो हम जैसे जैसे इसका डायरेक्शन बदल रहे हैं, इसको क्रॉस करने वाला फील्ड लाइंस कम होते जा रहा है, यानी इसका फ्लक्स कम होते जा रहा है, फ्लक्स बदल रहा है.
जब भी हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो किसी भी एरिया का डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाने लगता है। हाँ, इसका अगर अमाउंट बड़ा कर दें, इतना बड़ा कर दें, तब इसको ज़्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा, इसका फ्लक्स बढ़ जाएगा। इस एरिया का अमाउंट छोटा कर दें, इसको कम फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा, फ्लक्स का अमाउंट कम हो जाएगा। इसका अमाउंट यानी इसका मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड तो इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहा है, लेकिन अगर हम इसका डायरेक्शन बदल दें तो भी फ्लक्स बदल रहा है। हम ऐसे कर देंगे तो इसके एरिया को क्रॉस करने वाला फील्ड लाइन जीरो हो जाएगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अब इस एरिया को परपेंडिकुलरली कोई फील्ड लाइन्स क्रॉस नहीं करेगा जी, सब ऐसे ऐसे गुजर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस सिचुएशन में जब हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो एरिया का डायरेक्शन भी बहुत मायने रखता है। इसीलिए इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, सारा बच्चा समझ रहा? इसीलिए एरिया को हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब समझो थोड़ा बात। ये जो एरिया होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर है क्या? एरिया वेक्टर को थोड़ा हम डिफाइन करते हैं कि एरिया वेक्टर क्या है। समझो, अगर किसी बड़े से एरिया का एक छोटा सा पार्ट है अगर हमारे पास, ठीक है, क्या हम लें, देखो जो टोपी देखो, थोड़ा गंदा करेंगे। हाँ सुनना थोड़ा, कभी गांव वगैरह, मोहल्ला वगैरह में कुछ प्रोग्राम होता है तो उसमें समाज का लोग 10-20 चंदा देता है, तो अनाउंसमेंट होता है ना कि इनकी तरफ से 10 रुपये का चंदा आया। ये तो यहाँ पे सुरजीत की तरफ से एक टोपी आया है ताकि हम क्लास में कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझा पाएँ। भगवान तुमको तरक्की दे जी, तुम्हारा बाल जल्दी बड़ा हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, देखो ये जो कैप है ना, इसका ये एक सरफेस एरिया है, दिख रहा है? इसको छोड़ दो, हेमिस्फेरिकल पार्ट को देखो, इसका एक सरफेस एरिया है। हम इसमें एक छोटा सा एरिया ये कंसिडर कर लेते हैं। उससे हम पहले ही बोल दिए थे कि बाबू थोड़ा सा गंदा करेंगे। देखो एक छोटा सा एरिया हम ये कंसिडर कर लिए, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब ये जो छोटा सा अपना एरिया है ना जी, ये छोटा सा एरिया जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा। तो इसका एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इस एरिया का वैल्यू के बराबर होता है। जैसे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो सपोज करो 2 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया, तो इससे जो एरिया वेक्टर बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड 2 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। कनीसा समझ रही है? अच्छा, इस छोटे से एरिया को अगर हम वेक्टर की तरह ट्रीट करें तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो इस छोटे से एरिया के परपेंडिकुलर होता है। यानी इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम इधर कंसिडर करेंगे, और ध्यान देना परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। यानी अगर ये छोटा सा एरिया खाली हम इस बटन को निकाल दें तो इसका परपेंडिकुलर दो गो होगा, इधर बाहर की तरफ भी होगा और अंदर की तरफ भी होगा, लेकिन हम वो इसका डायरेक्शन लेंगे जो इस कर्व्ड सरफेस से ऐसे बाहर की तरफ हो। बात समझ में आ रहा है? यानी अगर इस छोटे से एरिया को हम वेक्टर की तरह ट्रीट करें तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इस एरिया के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। बात समझ में आ रहा है? और इस सिचुएशन में हम इस एरिया को एरिया वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है सारा बात? ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जो इस एरिया का वैल्यू होगा जी, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हो। तो एरिया वेक्टर का खाली हम लोग डेफिनेशन लिख के ख़त्म करते हैं बात को, है ना? लिखना फॉर एनी स्मॉल सरफेस विच इज अ पार्ट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस विच इज अ पार्ट ऑफ अ
इनक्लोज्ड सरफेस, जैसे वो छोटा सा एरिया इसका टोपी का एक पार्ट था, ठीक है। चलो क्लोज्ड सरफेस, यहाँ पे डेफिनेशन में उस सरफेस को क्लोज बोल रहा है, यानी मान लो वो हेमिस्फेयर नहीं पूरा बड़ा सा स्फेयर हो अगर, क्लोज सरफेस कॉमा देना, हैविंग सरफेस एरिया, हैविंग सरफेस एरिया, हैविंग सरफेस एरिया डी एस, हैविंग सरफेस एरिया डी एस कॉमा देना, द एरिया वेक्टर इज, the area vector is defined as, the area vector is defined as a vector whose magnitude is, a vector whose magnitude is equal to, whose magnitude is equal to ds, ds and direction is, and direction is perpendicular to, direction is perpendicular to ds, perpendicular to ds and outward, and outward to the, outward to the curved surface, outward to the curved surface, outward to the curved surface, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन रौनक बाबू से मेरा है कि फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, उस बेंच में बैठा हुआ तीनों में से कोई भी जवाब दे सकता है। थोड़ा जोर से बोलो। जान बुझ के तुम ऐसा बोल रहा है कि हम सुन नहीं पाए। खुलाओ मीटर स्क्वायर भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का, ये इसका ऐसा यूनिट होता है जी। क्वेश्चन